जल्द ही आईफोन को मेड इन इंडिया का टैग मिल जाएगा। जी हाँ, एप्पल अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैंगलोर में लगाएगा। भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने के लिए सरकार और एप्पल के बीच काफी दिनों से बातचीत चल रही थी। कर्नाटक सरकार ने भी इस पर अपनी सहमति देते हुए एप्पल के प्रस्ताव का स्वागत किया है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने के लिए एप्पल लगातार सरकार से मदद की मांग कर रहा था। इसमें टैक्स और टैरिफ में छूट जैसी मांगे शामिल थीं। एप्पल के अधिकारियों ने सरकारी अधिकारी विभागों से मीटिंग कर प्रेजेंटेशन सौंपी थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। बता दें कि इसके साथ ही भारत तीसरा ऐसा देश बन जाएगा जहां आईफोन को असेंबल किया जाता है। एप्पल अपनी ये इकाई कब शुरू करेगा इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि उत्पादन जून में शुरू हो सकता है। आपको बता दें कि आईफोन, आईपैड, आईपॉड और मैक के पार्ट्स 28 देशों में थर्ड पार्टी द्वारा बनाए जाते हैं। इनके 766 सप्लायर्स हैं, जिसमें 344 चीन में हैं, 126 जापान में और 69 यूएस में हैं। इनमें से एक भारत में है, जो तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में स्थित है। भारत में बनने के बाद महंगे और लग्जरी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना ये फोन आम आदमी की पहुंच में होगा।